हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है काजल की किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अंडे से बिल्कुल पनीर जैसी सब्जी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एग ले लिया है। तो एक कटोरे में मैं सारे एग्स को तोड़कर डाल दूंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे एग को इसमें तोड़कर डाल दिया है। मैंने टोटल इसमें 4 एग ले लिए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक फोर्क की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब हम एक कढ़ाई में पानी चढ़ा देंगे। तो पानी को हम एकदम गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें बबल्स आ गया है, पानी हल्का गर्म हो चुका है। तो इसके ऊपर हम एक स्टैंड लगाकर, जो कटोरे में हमने एग तोड़कर डाला था, उसे इसके ऊपर रख देंगे और इसे ढक कर पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमें 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही ढक कर छोड़ देना है। बीच में एक बार खोल के मैंने इसे चेक कर लिया था, तो टोटल मैंने इसे 25 मिनट तक ऐसे ही स्टीम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम इसे एक फोर्क की मदद से चेक कर लेंगे। तो एक फोर्क ले लिया मैंने, इसके अंदर इस तरह से इसे प्रेस करके डालकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, फोर्क बिल्कुल क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि हमारा एग अच्छे से पक चुका है। तो बस हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे निकाल लेंगे। इसे अब हम निकाल कर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। तो एक नाइफ की मदद से हम इसके एजेस को अलग कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसे पलट कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा एग बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल पनीर जैसा दिख रहा है। तो बस अब हम इसे, जैसे हम पनीर काटते हैं छोटे पीसेस में, उसी तरह से इसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे तरह से कट करके रख लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके मसाले को भी तैयार कर लेते हैं। तो एक ग्राइंडिंग जार में हम थोड़ा सा प्याज ले लेंगे, साथ ही इसके हम थोड़ा सा अदरक, लहसुन और एक टमाटर भी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम ग्राइंड करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमारा एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे। इसके बाद हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून इसमें सरसों तेल डाल देंगे। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम जीरा डाल देंगे। तो जीरा जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें हम तेज़पत्ता, काली मिर्च, 2 लौंग, दालचीनी और इलायची डाल देंगे और इन सबको थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें एक प्याज को भी लंबा लंबा काट कर इसमें डाल देंगे और अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। तो 2 मिनट के बाद अब इसमें हम ग्राइंडेड मसाले को भी डाल देंगे। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पका लेंगे जब तक कि इससे तेल अलग ना हो जाए। तो दोस्तों, टोटल मैंने इसमें 2 प्याज यूज़ किया है। एक प्याज को मैंने ऐसे ही काट कर डाला है और एक प्याज हम मसाले के साथ ग्राइंड करके डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, इससे तेल एकदम अलग हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमने एग में भी नमक डाला था। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून मैगी मसाला। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला जले नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने अंडे को कट करके रखा था, उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम ढक कर 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसमें हम ऊपर से हल्का सा कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पनीर जैसे अंडे की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाल दिया ताकि दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत इजी रेसिपी, तो आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।